नमस्कार, विराट 24 न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हिना। खबर रीवा से है, जहां भूतपूर्व सैनिकों की सुविधाओं को देखते हुए सेना के द्वारा आर्मी कैंटीन की शुरुआत की गई है, जिसमें शुक्रवार को शराब काउंटर अलग से खोला गया। उक्त कार्यक्रम के मुख्य अतिथि लेफ्टिनेंट जनरल एमके दास रहे, जिनका पहली बार रीवा दौरा हुआ है। कार्यक्रम में कलेक्टर मनोज पुष्प, पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन और सेना के रिटायर्ड जवानों के साथ कैंटीन के कर्मचारी मौजूद रहे। कैंटीन का शुभारंभ करने के बाद लेफ्टिनेंट कर्नल एमके दास ने कहा कि रीवा में कैंटीन शुरू हो जाने से हमारे भूतपूर्व सैनिक और उनके आश्रितों को अच्छी सुविधाएं मिल सकेंगी। इतना ही नहीं, कैंटीन में रिजर्व व्यवस्था की गई है, जहां बेसिक चीजें कभी भी सैनिकों के परिजनों को उपलब्ध रहेंगी। श्री दास ने कहा कि अभी एक वर्ष पूर्व ही कैंटीन की शुरुआत की गई है, जिस तरह से सुझाव आएंगे उस तरह से व्यवस्थाएं की जाएंगी। साथ ही रीवा जिले में सिविल हॉस्पिटल में भूतपूर्व सैनिकों को अच्छी सुविधाएं मिले, इसके लिए पॉलीक्लिनिक की भी शुरुआत की गई है। आपको बता दें कि लंबे समय से मांग की जा रही थी कि रीवा में कैंटीन में शराब काउंटर अलग किए जाएं। भूतपूर्व सैनिकों की मांग को देखते हुए उक्त सुविधाएं शुरू कर दी गई हैं। आइए दिखाते हैं कार्यक्रम की कुछ झलकियां और सुनाते हैं श्री दास ने क्या कहा है। जय हिंद। जीओसी मध्य भारत एरिया के तौर पर ये मेरा पहला रीवा का जो हमारा ECHS का पॉलीक्लिनिक और CSD कैंटीन है, उसका विज़िट करने का सौभाग्य मुझे मिला। इस विज़िट के दौरान मेरी रीवा के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और SP साहब से भी मुलाकात हुई और मुझे ये पता लगा कि इस डिस्ट्रिक्ट में हमारे भूतपूर्व सैनिकों की बहुत अच्छी देखभाल हो रही है। हमारे पॉलीक्लिनिक के जो कि हमारे सारे भूतपूर्व सैनिकों, उनके परिवार, उनके डिपेंडेंट को मेडिकल की फैसिलिटी देता है। साथ ही ये कैंटीन की सुविधा जो कि उनके ज़रूरी सामान को देती है, दोनों मिलाकर एक अच्छा कदम है, जिससे उनको बहुत खुशी मिलती है, उनका जीवन या यापन बहुत अच्छी तरह से होता है। आज ही के दिन हमारे भूतपूर्व सैनिकों की डिमांड थी कि जो हमारा लिकर काउंटर है वो सेपरेट किया जाए, और उसको हमारी टीम ने बहुत ही कम समय में उसको अलग से बनाया है, और उसे आज मुझे सभी को डेडिकेट करते हुए बहुत खुशी हुई है। एक बार फिर से मैं चाहूँगा कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे साथ जो हमारे वेलफेयर से जुड़े हुए जितने भी पदाधिकारी हैं, वो अपना बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आने वाले समय में और भी अच्छा काम जारी रखें। एक किस्म का ये जो सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप जो होता है, वो आने वाले समय में देश के लिए बहुत काम आएगा। जय हिंद। इतने सुंदर सुंदर गहने लाए, दुल्हन के रूप में चार चांद लगाए, के रिश्ते को और गहरा बनाए, समदड़िया आभूषण का जादू है छाए।